एक वीवर का क्वेश्चन है कि वाज और हैड में क्या फर्क है, जबकि इन दोनों का मीनिंग होता है था थी थे, यानी दोनों से पास्ट का पता चलता है। तो कैसे समझे कि कब हमें बोलना चाहिए वाज और कब हमें बोलना चाहिए हैड? तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। ये सच है कि इन दोनों वर्ड से पास्ट का पता चलता है, लेकिन वर्ड हैड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कि कोई चीज मेरे पास था। वही दूसरी तरफ हम वाज का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमको कहना हो कोई चीज मैं था, यानी कोई चीज मेरे पास नहीं था बल्कि वो मैं ही था। लगता है आप समझे नहीं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। यहाँ मैंने दो एग्जांपल्स लिखा हुआ है, आई वॉज अ टीचर एंड आई हैड अ टीचर। तो यहाँ पहला सेंटेंस है आई वॉज अ टीचर। इस सेंटेंस का मीनिंग है मैं एक टीचर था, यानी टीचर मैं था, मैं ही टीचर था। अगर बात दूसरे सेंटेंस की किया जाए जैसे आई हैड अ टीचर, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि मेरे पास एक टीचर था, यानी टीचर मैं नहीं था बल्कि टीचर मेरे पास था, यानी कोई और इंसान था जो एक टीचर था और वह मेरे पास था। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, आई वॉज अ डॉक्टर एंड आई हैड अ डॉक्टर। यहाँ पहले सेंटेंस जहाँ मैंने बोला आई वॉज अ डॉक्टर, इसका मीनिंग है कि मैं एक डॉक्टर था, यानी डॉक्टर मैं ही था। लेकिन दूसरे सेंटेंस में मैंने बोला आई हैड अ डॉक्टर, यानी डॉक्टर मैं नहीं था बल्कि मेरे पास एक डॉक्टर था, यानी मेरे पास एक इंसान था जो डॉक्टर था। आई वॉज अ चेयर आई हैड अ चेयर। यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, इनमें से एक सेंटेंस अटपटा सा है जबकि दूसरा सेंटेंस सही है। तो यहाँ मैंने पहले सेंटेंस में बोला आई वॉज अ चेयर, यानी मैं एक कुर्सी था। क्या इंसान कभी कुर्सी हो सकता है? नहीं, ये मुमकिन ही नहीं। तो यहाँ पर यह सेंटेंस गलत है, मुझे कहना चाहिए आई हैड अ चेयर, यानी मेरे पास एक कुर्सी था। क्योंकि जब बात रखने की हो तो वहाँ पर आप वॉज वर्ब का इस्तेमाल न करें बल्कि आप वहाँ पर करेंगे हैड का इस्तेमाल। अगर आपको कहना हो कि मेरे पास एक आइडिया था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैड एन आइडिया, यानी मेरे पास एक आइडिया था। कहीं गलती से आप ये ना बोलें आई वॉज एन आइडिया। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो इस सेंटेंस का मीनिंग होगा मैं एक आइडिया था, जो कि गलत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि हैड और वॉज वर में क्या फर्क है, कब हमें बोलना चाहिए हैड और कब हमें बोलना चाहिए वॉज या वर। आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।